जय मसीह की। प्रियो, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ये सवाल पूछ रही है, परमेश्वर ने कोविड-19 की अनुमति क्यों दी। कोविड-19 एक कोरोना वायरस के कारण होने वाली सांस की बीमारी है। बीमारी का प्रभाव हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकता है। ये पहली बार 2019 के अंत में चीन के वुहान में पाया गया था। ये वायरस तेजी से दूसरे देशों में फैल गया। 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया। हर पहलू को समझना मानवीय क्षमता से बहुत आगे जाता है, परंतु परमेश्वर के पास हर परिस्थिति के हर पहलू का पूरा ज्ञान और नियंत्रण है। बाइबल सामान्य रूप से घातक आपदाओं के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि प्रकट करता है कि परमेश्वर इन बातों का प्रयोग क्यों करता है, लेकिन हमें किसी भी विशिष्ट आपदा के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए उचित शास्त्र और विश्वास के सिद्धांतों का समझ होना चाहिए। जैसे कि किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए किया जाता है, हमें अपनी खोज के लिए ज्ञात से अज्ञात में जाना होगा। हम जानते हैं कि यह जीवन हमारे सृष्टिकर्ता की ओर से एक उपहार है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 25 पद में हम जानते हैं कि केवल परमेश्वर को ही ये अधिकार और सामर्थ है कि वे अपनी बुद्धि और योजना के अनुसार जीवन दे सकता है और ले भी सकता है। हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत छोटी है और उसमें कुछ हद तक पीड़ा शामिल है, मृत्यु में समाप्त होना और हमारे कर्मों के अनुसार हमारा न्याय होना भी निश्चित है। इसलिए हम इस सवाल को रखते हैं कि क्यों परमेश्वर ने कोविड-19 की अनुमति दी। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि लोग अपना ध्यान इस दुनिया से हटाकर परमेश्वर पर ही लगाए, जो हमारे सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता है। विश्वासी और अविश्वासी समान रूप से इस समय लाखों लोग अचानक ये प्रश्न पूछ रहे हैं, परमेश्वर ने कोविड-19 की अनुमति क्यों दी, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर उनके मन में है। परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग ईमानदारी से उसकी तलाश करें और उसे खोजें, ये पता लगाते हुए कि वे वास्तव में हमारे करीब है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कमजोरी और आवश्यकता को महसूस करें, ताकि हम उस पर अपना भरोसा रखें। परमेश्वर चाहता है कि लोग उचित श्रद्धा और भय के साथ उसका भय माने, उसे अपने प्राणों से अधिक प्रेम करे और साथियों से प्रेम करे, उनकी सहायता करे और विशेष रूप से जब वे दुख में हो। इन सब बातों के द्वारा हमारे उद्धारकर्ता के लिए प्रेम और कृतज्ञता दिखाएं। परमेश्वर हमारे ध्यान और प्रेम को इस अस्थाई अशांत संसार से हटाकर अपने अनंत स्वर्गीय घर में स्थानांतरित करना चाहता है। मुसीबत का समय हमें एक प्रमुख प्रेरणा देता है कि पृथ्वी पर खजाने से चिपके रहने के बजाय स्वर्ग में खजाने को जमा करने की कोशिश करें। उन आशीषों के अच्छे भंडारी होने के लिए परमेश्वर हमें इस जीवन में मुसीबतें देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर पूरा भरोसा करें, ये जानते हुए कि हमारा समय उसके हाथ में है। गरीब और दुखदाई लोग ही ईश्वर को खोजते हैं, ना कि अमीर और आरामदेह लोग। खतरे और विपत्ति ही लोगों को उद्धारकर्ता की ओर मोड़ती है, ना कि स्वास्थ्य और धन। ये मुसीबतें ही हैं जो हमें हमारी वास्तविक आवश्यकता के प्रति जगाता है। सभी लोगों के लिए जीवन का अर्थ है दुख, मृत्यु और उनके अनंत जीवन। भले ही कोविड-19 के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए, तो भी हम दुनिया में संकट की स्थिति से नहीं बच सकते। हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है? हमारे लिए सबसे अच्छा यह है कि हमें किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर को खोजना है। भजन संहिता 119 का दूसरा पद कहता है, धन्य है वे जो उसकी विधियों को मानते हैं और अपने पूरे मन से उसे ढूंढते हैं। प्रियो, इस प्रकार की नई वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।